तो हेलो वेलकम टू चैनल। भाई साहब, मतलब कि इतने टाइम से कोई मूवी, कोई टीजर, किसी का ट्रेलर कुछ आ रहा नहीं था, ठीक है। और अब जब आए हैं सब एक साथ आए, ठीक है। इस फ्राइडे अपन को कितनी सारी चीज़ें देखने को मिली थी, तो उन सब के ऊपर अपन एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन को तीन मूवी देखने को मिली, एक थी फ्रेडी, इंडियन लॉकडाउन और एन एक्शन हीरो, ठीक है। इसके अलावा अपन को तीन ट्रेलर देखने को मिले, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर, एक था ट्रांसफॉर्मर का ट्रेलर और उसमें से एक ट्रेलर था सर्कस का। भाई दिमाग घुमा दिया उस ट्रेलर ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मूवीज़ के ऊपर। जो तीन मूवी फ्राइडे को रिलीज हुई उसमें से दो OTT पे आई है और एक थिएटर में आई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फ्रेडी के ऊपर, ठीक है। फ्रेडी में अपन को कार्तिक आर्यन देखने को मिली है, ठीक है। और उनका टाइम अभी अच्छा चल रहा है, टैको पेट की जो एक्टिंग की है ना वो मजा आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड हाफ में जाते जाते जब जब वो स्क्रीन पे आएंगे आपको ऐसा अंदर से लगेगा कि अब कुछ होने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे अपन क्लाइमेक्स के उधर जाते हैं तो इनकी एक्टिंग और इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। धमाका मूवी जो OTP पे आई थी वो मुझे अभी तक इनकी एक्टिंग अच्छी लगती थी, मगर इस मूवी में उन्होंने उससे भी अच्छी एक्टिंग की है, ठीक है। सेकेंड मूवी के बारे में बात करते हैं, वो है इंडियन लॉकडाउन, ठीक है। तो देखो, इसका नाम सुनते तुम लोगों को पता चल गया होगा कि ये मूवी किसके ऊपर बेस होने वाली है, ठीक है। जो ये लॉकडाउन हुआ था उसके ऊपर पूरी ये मूवी बेस है, ठीक है। और ये मूवी सिर्फ लॉकडाउन में ऐसा नहीं कि अपर क्लास की सिर्फ प्रॉब्लम बता रही है या फिर मिडिल क्लास की, ठीक है। हर एक जन की एकदम बराबर आपको प्रॉब्लम बताती है, कितना भी अमीर हो, भले ही कितना भी गरीब हो या फिर रेड लाइट में हो, ठीक है। कोई भी लेवल का हो और किधर भी काम करता हो, उन सब की तकलीफ इस मूवी ने बताई है। और ये मूवी लॉकडाउन के वजह से ये अपन से कनेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि अपन ने ये लाइफ जी हुई है। और जो इस मूवी में डायलॉग है और जब जब वो लोग बोलते हैं तो आपको सच में वो इमोशनल कनेक्ट होता है, ठीक है। आप इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, इस मूवी में कई कई जगह पे। अब तीसरी मूवी के बारे में बात करते हैं, वो है एन एक्शन हीरो। ये मूवी थिएटर में आई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवी थी ये अपन को OTT पे देखने को मिलनी चाहिए थी और फ्रेडी थिएटर में देखने को मिलनी चाहिए थी, ठीक है। फ्रेडी का जो जॉनरा है ना, क्राइम सस्पेंस वाला, सेम टू सेम एक ऐसी मूवी अभी तबाही मचा रही है। वो पिक्चर का नाम है DCM 2, ठीक है। तो उस हिसाब से फ्रेडी अभी रिलीज हो जाती तो वो भी इतना कमा सकती थी, ठीक है। एक्शन हीरो जो इसका नाम है वो ये करती है, आपको एक्शन देखने को मिलता है, हर एक सीन में आपको एक्शन देखने को मिलता है। एक्शन बहुत अच्छा है और इसका जो स्टोरी है वो यूनिक है, मगर जो इसका स्क्रीन प्ले है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है। आप नहीं चाहते हो आप लॉजिक लगाओ तो भी आप लॉजिक लगा लेते हो। अगर आप संडे का सोच रहे हो कि कोई मूवी देख के मैं अपना टाइम पास करूँ तो आप फ्रेडी देख लो या फिर इंडियन लॉकडाउन देख लो, ये दोनों मूवी देख लो। अगर ये दोनों मूवी तुम लोगों ने देख लिया तो एन एक्शन हीरो तुम देख सकते हो और तुम मजे लोगे, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं जो तीन ट्रेलर आए हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो ट्रेलर आया है वो है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का, ठीक है। ये ट्रेलर लीक हो गया था, अभी कौन चल रहा है उसमें, और उसके वजह से अभी इतने जल्दी 6 महीने पहले ही ये ट्रेलर उन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो इसका जो हॉलीडे स्पेशल आया था वो भी अपन को इमोशन करके गया था, और इसके ट्रेलर भी अपन को हिंट दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की लास्ट मूवी होने वाली है, ठीक है, एज ए टीम। इसके अलावा अपन को इन लोग किधर ना किधर दिख ही जाएंगे मार्वल की मूवी में, तो इसके अंदर कुछ लोगों का मरने के चांसेस बहुत है। और तुम लोगों को पता चल गया होगा कि इसके मरने के चांस कितने हैं, जो हिसाब से इस ट्रेलर अपन को रोने के सीन दिखाए और जो चिल्लाने के सीन दिखाए वो जो हिट करता है ना भाई साहब, ये मूवी बहुत इमोशनल होने वाली है, ठीक है। और अभी इसका ट्रेलर 2 भी आएगा और फिर जो टीवी स्पॉट आते हैं वो आते ही है, ठीक है। और सेकेंड ट्रेलर जो जिसका आया था वो है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और भाई साहब, ट्रांसफॉर्मर को देखना किसको नहीं पसंद थी, जल्दी जल्दी गाड़ी एकदम रोबोट टाइप बन जाती है, ठीक है। ट्रेलर फाइनली आया, जितना भी ये ट्रेलर देखा मुझे पसंद आया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मूवी सर्कस, भाई सर्कस कितने एक्टर्स है भाई, कितने सबको खरीद लिया इन लोग ने, इतने एक्टर्स इन लोग ने इस मूवी में लिए, और तो भी जो इसकी कॉमेडी का लेवल वो मैच ही नहीं हो रहा, मतलब कि ऐसा हंसी नहीं आ रही। जितने भी वो डायलॉग मार रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो जबरदस्ती पंचेज कर रहे थे, और अपन को पता है वो कितने बढ़िया एक्टर्स है, मगर जो ये डायलॉग राइटिंग चल रही है ना आजकल ये कॉमेडी की, वो इतनी घटिया चल रही है, कॉमेडी उस हिसाब से फील नहीं हो रही थी। और इसमें चलो सर्कस में एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है उसके पास सुपर पावर होगी कि उसको बिजली का झटका नहीं लगता, बाकी सबको लगता है, ठीक है। उसमें भी एक सीन में वो वायर को पकड़ता है, दूसरों को करंट देखता है, वो कितना नकली फील होता है। इससे बढ़िया तो अपन की जो बॉलीवुड की पुरानी मूवी थी उसमें जब एक दूसरे को करंट पास होता था उसमें देखने में जितना मजा आता था इसमें नहीं आ रहा, मगर अब ये ट्रेलर ही है बस, मूवी आनी बाकी है। रोहित शेट्टी ट्रेलर कैसा भी जाए मूवी उनकी 100 करोड़ पार कर ही लेती है, ये भी कर लेगी मेरे को लगता है। हर चीज़ एकदम कलरफुल दी है, सर्कस मूवी का नाम ही है तो सर्कस में हर चीज़ ब्राइट होती है, तो उसके वजह से अपन सोच सकते हैं कि हाँ इन लोग ने ये रख दिया होगा, ठीक है। अब जब ये मूवी आएगी तभी पता चलेगा, अभी 23-24 तारीख को ही आ रही है ये मूवी, तो उस टाइम पता चल जाएगा ये मूवी कैसी है, ठीक है। तब इसका टीजर अनाउंसमेंट आया था कि ट्रेलर इतने तारीख को आने वाला है,
तब इन लोगों ने जो क्रिएटिविटी दिखाई थी, मुझे लगा मूवी भी ऐसी होने वाली, क्रिएटिव होने वाली है, ठीक है। मगर ट्रेलर्स ने फिर वापस डिसअपॉइंट कर दिया। तो बस यार, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ये वीडियो आते के रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो बोलता वही बोलूँगा। फॉलो एडिंग, पीस आउट, और सब्सक्राइब करो।